भारत हमेशा से ही पशु पालकों का देश रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक किसान खेती के साथ साथ मवेशी भी पालता रहा है, जो उसे दूध, गोबर, चमड़ी आदि उपलब्ध कराने के साथ साथ किसान की अतिरिक्त आय का भी स्रोत रहा है। आज बदलती जलवायु, बढ़ती आबादी और पशुओं के व्यावसायिक उपयोग के चलते पशुओं में कई नए रोग और अन्य परेशानियां पैदा हुई हैं। पशुधन को हर रोग से दूर रखने की कोशिश में वैज्ञानिक निरंतर शोध करते रहते हैं। ऐसी ही एक कोशिश में लगा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो इज्जत नगर बरेली में स्थित है। संस्थान ने कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र स्थापित किया है, जिसमें पशुधन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का समाधान किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए चलते हैं कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यानी एटिक और मिलते हैं इस केंद्र की इंचार्ज डॉक्टर रूपसी तिवारी से। देखिए, जो हमारा एटिक है, सूचना प्रदान करने के अलावा भी हम कई प्रकार की सामग्री पशुपालकों को उपलब्ध कराते हैं, जिसमें कि वे अच्छा पशुपालन कर सकें। तो इसमें जो मुख्य चीजें हैं वे है मिनरल मिक्सचर, क्षेत्र विशेष खनिज लवण इसे हम कहते हैं। ये खनिज लवण हमारे IVRA द्वारा ही विकसित किया हुआ है और इसे करीब 6 कंपनियों ने भी अपना लिया है, पर हम IVRA द्वारा भी इसे बनाकर इसे जो है एटिक द्वारा विक्रय कर रहे हैं। इसकी विशेषता यह है कि यदि पशुपालक इसे अपने पशुओं को खिलाते हैं तो करीब 20-30% जो है उनका जो शारीरिक भार है उसमें वृद्धि होती है, और साथ ही 20-30% जो है जो दुग्ध उत्पादन है वो भी बढ़ता है। तो खास और साथ ही जो प्रजनन क्षमता है, कई बार ये होता है कि कई मिनरल डेफिशिएंसी जो होती है लवणों की कमी की वजह से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है पशुओं की, तो इस मिनरल मिक्सचर को खिलाने से प्रजनन क्षमता बढ़ती है उनकी, और प्रत्येक मतलब समय से वे जो है गर्भाधान भी करती हैं और समय से वे ऋतुकाल में भी आ जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक क्या कहेंगे आप, कोई बहुत एक आवश्यक चीज है जिसे कि पशुपालकों को अपने पशुओं को देना चाहिए, और हमारे यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में पशुपालक आके ये खनिज लवण खरीद के ले जा रहे हैं। अकाल, सूखा आदि के समय पशुओं के चारे की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। IVRI के वैज्ञानिकों ने इस समस्या का समाधान भी ढूंढ लिया है। आइए जानें डॉक्टर उषा रानी मेहरा से। ये संगठित पशु आहार है, इसमें बीट, भूसा, शीरा, मिनरल मिक्सचर, सॉल्ट और तथा भी कुछ विटामिन भी है। ये जो है जहाँ पर अकाल पड़ता है, अकाल प्रदेशों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। भूसा तथा चारा ले जाने में जो है काफी जो है परेशानी उठानी पड़ती है, तो अगर जो है वहाँ पर अगर इस तरह के आहार को पचाया जाएगा तो जो है हमारा काफी कम जो है बैलगाड़ी में ये या जो है बड़े ट्रांसपोर्ट में भेजा जा सकता है। ये भूसा को 1/4 हिस्सा कंप्रेस कर देता है, और ये कंप्रेशन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। उसके लिए हम लोगों ने एक मशीन विकसित की है जो भूसा को 1/4 कंप्रेस कर देती है। जब अकाल ग्रसित प्रदेशों में जहाँ पर पशु जो है उनको कुछ भी आहार नहीं मिलता, तो उसमें जो है ऊर्जा तथा प्रोटीन की काफी कमी हो जाती है, तो इस तरह का आहार, संगठित पशु आहार, इसमें ऊर्जा तथा प्रोटीन दोनों ही की उपयुक्त मात्रा है, और ये एक प्रकार से जो है उनकी मेंटेनेंस जो है कर सकता है। आइए जानें कि ये संगठित पशु आहार कैसे तैयार होता है। सबसे पहले संगठित पशु आहार में मिलाई जाने वाली सामग्री जान लें। पानी, सोयाबीन, गेहूं का चोकर, शीरा, नमक एवं खनिज। अब सबसे पहले शीरे में पानी मिलाएं। फिर नमक और खनिज शीरे में डाल दें।
इसके बाद सोयाबीन इस शीरे में मिलाएं। और अंत में गेहूं का चोकर भी इसमें डालकर इसे अच्छी तरह मिला लें। अच्छी तरह से तैयार मिश्रण को अब गेहूं के भूसे में अच्छी तरह छिड़क कर मिला लें। अच्छी तरह से तैयार इस मिश्रित भूसे को टब में भरकर संघनित करने वाली मशीन में डाल दें। आवश्यक मात्रा हो जाने के बाद मशीन में लगा हैंडल दबाकर भूसे को संघनित करें। करीब 12 से 15 मिनट के मशीनी दबाव के बाद संघनित पशु आहार तैयार हो जाता है। संघनित संपूर्ण आहार सामग्री: गेहूं का भूसा 68%, गेहूं का चोकर 10%, सोयाबीन की खल 10%, शीरा 10%, खनिज लवण 1%, लवण 1%। इसका बैंक भी बना सकते हैं। जब साधारण अवस्था में, जबकि अकाल नहीं पड़ रहा है, बैंकों से जो है इसको ले जाकर जो है अकाल प्रदेशों में पहुंचाया जा सकता है। दूसरे प्रकार का आहार जैसे पशु चॉकलेट कहते हैं, और इसको जो है हम किसान भाई अपने खेतों में आराम से बना सकते हैं। इसमें शीरा और जो बीट ब्रान, मिनरल मिक्सचर, सॉल्ट, विटामिन तथा इसमें कुछ सीमेंट भी प्रयोग किया गया है एज ए बाइंडिंग एजेंट, जिससे कि जो है इसको जो है वो सॉलिड बनाया जा सके। ये एक इसको पशु चाटन भी कहते हैं, पशु इसको जो है चाटता है। और जो है अगर इसको शीरा और यूरिया को इसी तरह से खाली यूरिया को पानी में मिला के पिलाया जाए तो टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेकिन पशु चाटन जब दिया जाता है तो यूरिया की मात्रा धीरे धीरे जो है पशु में पहुंचती है और उससे जो है जो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है तथा ऊर्जा की कमी भी पूरी करती है। आइए जानते हैं कि कैसे पशु चॉकलेट यानी पशु चाटन तैयार की जाती है।
सबसे पहले पशु चाटन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री लें। ये है गेहूं का चोकर, शीरा, यूरिया, पोर्टलैंड सीमेंट, पानी, नमक और खनिज। सबसे पहले सीमेंट में थोड़ा सा पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें। ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की गांठें सीमेंट में न रह जाएं। अब इस घोल को शीरे में डाल दें। इसके बाद यूरिया में पानी मिलाकर घोल तैयार कर लें और यूरिया के डलों को हाथों से तोड़कर अच्छी तरह मिला लें। अब इस घोल को भी शीरे में डाल दें। खनिज और नमक को भी शीरे में डालकर अच्छी तरह से मिला लें। ध्यान रखें कि कोई भी डला न रहे। अब शीरे के इस मिश्रण को गेहूं के चोकर में अच्छी तरह से मिला लें। जब सारी सामग्री आपस में अच्छी तरह से मिल जाए तो इसे लकड़ी के बने सांचे में भर दें। निश्चित मात्रा में इस मिश्रण को सांचे में भरने के बाद लकड़ी के इस सांचे को खोलें। और लीजिए, पशु चॉकलेट यानी पशु चाटन तैयार है। यूरिया, शीरा, खनिज ब्लॉक। सामग्री: गेहूं का चोकर 40%, शीरा 38%, यूरिया 10%, सीमेंट 10%, खनिज लवण 1%, लवण 1%। आम तौर पर हरा चारा
किसानों को हर मौसम में उपलब्ध नहीं रहता, इसलिए गेहूं के भूसे से ही उन्हें काम चलाना पड़ता है। गेहूं के भूसे में आवश्यक पोषक तत्व नहीं होते हैं, इसीलिए IVRI के वैज्ञानिकों ने गेहूं के भूसे को यूरिया से उपचारित करने की तकनीक विकसित की है। आइए जानते हैं डॉक्टर पुतन सिंह से। गेहूं के भूसा का यूरिया उपचार करने के लिए इस मशीन का विकास किया गया। इस मशीन द्वारा गेहूं के भूसा का यूरिया उपचार के साथ साथ गेहूं की मड़ाई भी होती है, और इसके द्वारा जो है एक लेबर लगभग 50 से 60 क्विंटल का भूसा उपचार कर सकता है, और किसान को अलग से कोई इनपुट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यूरिया द्वारा भूसा उपचार करने से भूसे में प्रोटीन की मात्रा 3 गुना बढ़ जाती है तथा ऊर्जा की मात्रा 1.5 गुना बढ़ जाती है, और इस प्रकार किसान भाई इस मशीन से का प्रयोग भूसा उपचार तथा गेहूं के मड़ाई के लिए कर सकते हैं। मशीन द्वारा भूसा उपचारित करने की विधि। सामग्री: भूसा 1 क्विंटल, पानी 40 लीटर, यूरिया 4 किलो। खेती पर अगर मौसम की मेहरबानी रहे तो फसल खूब अच्छी होती है। कई बार तो हरे चारे का भी आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाता है। इस जरूरत से ज्यादा हरे चारे को भी उपचारित करके अधिक समय तक संरक्षित किया जा सकता है, जिससे हरे चारे की कमी के समय इसे उपयोग में लाया जा सके। इसे साइलेज भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि साइलेज क्या है और इसे कैसे बनाते हैं। डी साही से। ये जो आप ढेर देख रहे हैं ये जई का साइलेज है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ये फाडर प्रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है उनके लिए, जहाँ पर अधिक पशुओं को पाला जाता है, और उस सीजन में जब हरे चारे अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो उनमें से साइलेज बनाया जाता है। ये जो है चारे को संरक्षित करने का एक तरीका है, जिसमें हे और साइलेज ये दो चीजें बनाई जाती हैं। इन चीजों को उस समय पशुओं को खिलाया जाता है जब हमारे पास या तो चारे की कमी हो गई या ऐसा समय आ गया कि हम किसी तरीके से चारे का इंतजाम नहीं कर पाए, तो उस स्थिति में इन चारों को जो है ये हे हुआ या साइलेज जो कि साइलेज है इसको खिलाया जाता है। साइलेज जो है ये जानवरों के खाने के लिए बनाया जाता है, एक तरह से जानवरों के अचार का काम करता है। ये जब चारे की कमी हो जाती है और हरा चारा नहीं मिल पाता है उस समय के लिए बहुत काम में आता है, और जानवर उसके बड़े चाव से खाते हैं। इसके बनाने की जो प्रक्रिया है इसको हम ज़्यादातर जई या उसके मक्के की बनाते हैं। मक्के का थोड़ा हार्ड होता है इसलिए जई का ज़्यादा पसंद करते हैं। जई की साइलेज ज़्यादा नरम होती है, मुलायम होती है, इसको जानवर बड़े चाव से खाते हैं। इसके बनाने का हम लोग मार्च के महीने में करते हैं। मार्च के महीने में जब जई की में ड्राई मैटर कंटेंट 35 से 35% हो जाता है उस समय बनाते हैं। अगर हम ज़्यादा मुलायम वाले का बनाएंगे जिसमें कि ड्राई मैटर 20 या 25% होता है तो साइलेज खराब होने का डर रहता है। इससे ज़्यादा अगर 35% से ज़्यादा ऊपर है तो सूखा रहेगा, साइलेज सूखा मिलेगा और जानवर उसको अच्छे ढंग से खाएगा नहीं। इसलिए साइलेज को जब 30-35% ड्राई मैटर हो जाता है जई की फसल में, उसको हम खेतों से काट करके ले आते हैं और यहाँ फिर इसको चैफ करते हैं, गड्ढे पर ले आ करके चैफ करते हैं। चैफ करने के बाद इसकी लेयर वाइज लेयर हम बनाते जाते हैं, और उसके एक लेयर के बाद जब दूसरी लेयर शुरू होती है उसके पहले उसमें नमक डाल देते हैं। नमक डालने से वो हमारा प्रिजर्वेटिव काम करता है, माने उसको खराब होने से बचाता है। और जब गड्ढा भर जाता है, इस तरह से बार बार करते रहने के बाद गड्ढा भर जाता है, तो हम इसको ट्रैक्टर से अच्छे ढंग से प्रेस करते हैं। प्रेस करने के लिए हमको कई बार ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक इस तरह से हम काटते जाते हैं और प्रेस करते जाते हैं। प्रेस इसलिए करते हैं कि ये इसका जो फर्मेंटेशन होता है वो अनएरोबिक कंडीशन में होता है। अगर उसके अंदर हवा चली गई तो साइलेज सड़ जाएगा, फिर साइलेज अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए चूंकि हवा उसकी निकालनी है, हवा निकालने से साइलेज बहुत अच्छा बनता है। और जो साइलेज अच्छे बनने की पहचान है, ये साइलेज हम 3 महीने के बाद उगान के तैयार हो जाता है खाने के लिए जानवरों को, तो उसको जब हम निकालते हैं तो उसका कलर गोल्डन कलर होना चाहिए। साइलेज का गोल्डन कलर होने से साइलेज उसमें एक अरोमा डेवलप हो जाती है, इसमें सिट्रिक एसिड
की फॉर्मेशन होती है जिसको कुछ जानवर बहुत अच्छा पसंद करते हैं और अच्छे ढंग से खाते हैं। IVRI पशुओं के लिए आहार उपलब्ध कराने की नई विधियों को खोजने के साथ साथ पशुओं के विभिन्न रोगों का उपचार ढूंढने में भी निरंतर प्रयासरत है। IVRI के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रीम का आविष्कार किया है जो पूरी तरह से प्राकृतिक पदार्थों से बनी है और त्वचा के लगभग हर रोग को ठीक करने में समर्थ है। आइए इसके बारे में जानें डॉक्टर रूपसी तिवारी से। IVRI ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी विकसित की है और ये विकसित तकनीकी जो है 1986 में विकसित हुई है। इसका नाम है ऑल इन ऑल स्किन लोशन। तो ये जो पशुओं में कई प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं तो उन सारे चर्म रोगों के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव दवा है और ये एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं बनी हुई है बल्कि ये एक हर्बल दवा है। ये कई प्रकार के जो जड़ी बूटियां हैं और जो खाने पीने की देसी चीजें हैं उनसे बनाई गई है। खास करके इसमें प्याज है, लहसुन, हल्दी है और करंज का तेल है, तिल का तेल है, नींबू है, कपूर है, इन सबको मिला के एक हमने जो ये स्किन लोशन तैयार किया है। और इसका सारा का सारा श्रेय जाता है डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी को जो यहीं पर वैज्ञानिक हैं एवं संयुक्त निदेशक प्रसार भी हैं। इन्होंने ये तकनीकी 1986 में विकसित की थी एवं अब ये पेटेंट भी हो चुकी है और ये कई कंपनियों ने इसे खरीद भी लिया है। तो इसके जो मुख्य जो ये जिस प्रकार से कार्य करती है वो ये है कि जितने भी पशुओं के जो शरीर के रोग हैं, चर्म रोग हैं, उन सब के अगेंस्ट ये काम करती है। किसी प्रकार का यदि घाव हो जाए, कोई खुजली हो जाए, एक्जिमा हो जाए, मेंज हो जाए, तो कोई भी प्रकार की जो शरीर की बीमारियां हैं उसके अगेंस्ट ये बड़े कारगर रूप से कार्य करती है। इसके अलावा हमारे पास टीके हैं कई बीमारियों के लिए। RD वैक्सीन है हमारे पास और भेड़ चेचक वैक्सीन है हमारे पास। उसके अलावा शुगर जोर वैक्सीन है, तो PPR वैक्सीन भी है। तो ये कई ऐसी बीमारियां हैं जो बड़ी ही फेटल हैं जिसमें कि मोर्टेलिटी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए आवश्यक है कि पशुपालक ये टीके लगवाएं और हमारे पास काफी मात्रा में पशुपालक इन टीकों को लेने के लिए आ रहे हैं। आइए इस विषय में जानकारी लें IVRI के जैविक उत्पाद विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जगमोहन कटारिया से। 1889 में जब ये संस्थान बना, एक महामारी फैली हुई थी हमारे देश में जिसमें गायों का बहुत सारी संख्या में गायें मर जाती थी, जिसको कि हम उस रोग को पोकनी कहते थे और एक महामारी होती थी पशुओं में जिससे बहुत अधिक पशु मरते थे। तो उस वक्त के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज में कि इस संक्रमण रोग को किस ढंग से रोका जाए, उसके लिए इसकी संस्थान में इसका टीका बनाने के लिए और इससे बचाव के लिए शुरू हुआ था मुक्तेश्वर में। लेकिन उस वक्त मुक्तेश्वर में जमीन की कमी की वजह से और यातायात के साधनों की सुविधा ना होने की वजह से इसको आईजेट नगर में शिफ्ट किया गया। तो ये BP डिवीजन के नाम से यहाँ पे शुरू हुआ जिसमें कि सबसे पहले इस पोकनी का एक टीका बनाने की तैयारी शुरू करी गई और वो टीका जब बना तो गाय की बकरी की तिल्ली से बनाया जाता था और बड़ा लाभकारी हुआ और इससे इस बीमारी को कंट्रोल करने में काफ़ी हमें फायदा हुआ और बड़ी मदद मिली। उसके बाद ये इस टीके में लगातार नवीनीकरण होते रहे हैं और आज ये बीमारी लगभग हमारे देश से बिल्कुल ख़त्म करी जा चुकी है और इसको हमको इंटरनेशनल स्टेटस भी प्राप्त हो चुका है। इसके बाद इस विभाग में निरंतर ही कई तरीके के जरूरत के अनुसार टीके बनते रहे जिसमें मुख्य है एंथ्रेक्स की। एंथ्रेक्स एक टीका बनाया गया है यहाँ पे जो कि जानवरों में होता था, वो भी गाय दूध देने वाले गाय जानवरों में होता था, उसके कंट्रोल के लिए ये टीका बना और ये अब तो इसके टीके के बनाने की विधि करीब करीब सभी राज्यों को दे दी गई है और वो लोग अपना बना रहे हैं। तो इस विभाग का काम ये है कि कोई भी जब बीमारी आती है या कुछ इस तरीके की नई समस्याएं आती हैं तो उसके काम पे शोध किया जाता है और नया टीका विकसित किया जाता है तो और उसकी तकनीकी दूसरे राज्यों को दी जाती है जिससे कि वो अपने राज्य में बना करके इस बीमारी को कंट्रोल करने में मददगार हों। इस वक्त जो हम मुख्य टीके बना रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। जैसे गायों के लिए यहाँ पे एक टीका बन रहा है
जिसको हम FMD कहते हैं, खुरपका मुंह पका, ये हमारे बंगलोर संस्थान के परिसर में बनता है। इसके अलावा बकरियों में एक नया टीका हम लोगों ने विकसित किया है जिसको PPR कहते हैं। ये टीका बनाने का श्रेय हमारे संस्थान के इसी विभाग के वैज्ञानिकों को जाता है जिन्होंने ये टीका बनाया है, और पिछले साल तो इस विभाग ने 1 करोड़ का ये टीका बना करके अपने उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग को भी दिया था। और इस तरीके से हमारे पास काफ़ी जगह से इसकी रिक्वायरमेंट आती रहती है। इसके अलावा हम स्वाइन फीवर, एक बीमारी होती है सूअरों में जो काफ़ी महामारी करती है, और अभी आप लोगों ने जैसे सुना भी होगा कि नागालैंड में भी बहुत इसका एक डिजीज आउटब्रेक हुआ था जिसमें बहुत सूअर मरे हैं, उसको भी हम टीका सप्लाई करते हैं यहाँ से। इसके अलावा भेड़ों में जो चेचक होती है उसका टीका भी यहाँ बनता है जिसकी विधि इस विभाग के पास उपलब्ध है, और ये टीका हम और जगह भी देते रहते हैं। इसके अलावा मुर्गियों के 3 तरीके के टीके इस अभी विभाग में बनते हैं, और जिसमें मुख्यतः रानीखेत डिजीज के 2 तरीके के टीके हैं और मुर्गियों का चेचक का टीका, ये इस विभाग में बनते हैं और हम दूसरे विभागों को भी देते हैं, दूसरे संस्थानों को भी देते हैं। और इसकी विधि करीब करीब हमने सब राज्यों के जैविक उत्पाद विभागों को दे रखी है और वो अपना टीका खुद बनाते हैं। इसके अलावा हम इस पे प्रशिक्षण कार्य भी चलाते रहते हैं जो 2 महीने से लेकर 9 महीने तक के होते हैं, और जिसमें विभिन्न प्रकार की टीका बनाने की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा एक बीमारी और होती है जिसे हम हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोटू कहते हैं। यह बीमारी भेड़, बकरियों और गायों में होती है, और इससे भी काफ़ी संख्या में पशु, खासकर बरसात शुरू होने ही पे काफ़ी बीमारी फैलती है और मरते हैं। इसका टीका भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं और इसकी विधि भी हमने और विभागों को दे रखी है। इसके अलावा एक खासकर उन जानवरों में होता है जो सामान ढोते हैं या खेतों में हल में लगाए जाते हैं, उन्हें लंगड़ा बुखार कहते हैं, यानी कि ब्लैक क्वार्टर, उसका टीका भी बनता है यहाँ पे। और भेड़ों में एंट्रोटॉक्सिमिया, जिसमें कि भेड़ जो हैं ठंडा चारा खाने के बाद उनमें काफ़ी मृत्यु दर हो जाता है, उसको रोकने के लिए भी एक टीका बनाया जाता है, उसका साथ में प्रशिक्षण भी दिया जाता है इस विभाग। हमारे संस्थान ने अभी मुर्गियों में कुछ नई बीमारियां जो पैदा हुई हैं जिसमें मुख्यतः गंबोरो बीमारी और एग ड्रॉप सिंड्रोम कहते हैं जिसे, इनके भी टीका बनाने में उपलब्धि प्राप्त की है। गंबोरो रोग में मांस वाली मुर्गियों में जो है ये होता है, और 3 से 6 हफ्ते के चूजों में अधिक होता है, जिसमें काफ़ी मृत्यु दर रहता है जो 70% तक जा सकता है। इसका टीका इस संस्थान ने डेवलप किया है जिसको कि ठंडे में रखने की जरूरत नहीं होती है, और हमारे जलवायु के अनुसार ही हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और ये बड़ा प्रभावशाली साबित हुआ है। इसके अलावा एग ड्रॉप सिंड्रोम, जिसमें कि अंडे देने वाली मुर्गियों का उत्पादन एकाएक गिर जाता है, उसको भी रोकने के लिए हमारे संस्थान ने एक टीका बनाया है, और इन दोनों टीका बनाने की विधि हमारे पास उपलब्ध है और प्राइवेट कंपनी को देने के लिए हम इसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा हम डायग्नोस्टिक बनाते हैं जो हमारे यहाँ तक कि मनुष्य के चिकित्सा से जुड़े हुए विभागों को भी हम सप्लाई करते हैं। और घोड़ों में एक बीमारी होती है जिसे हम ग्लैंडर कहते हैं, हालांकि ये बीमारी अब हमारे देश में नहीं होती, लेकिन इसका हमारे आर्मी में और विभागों में इसकी बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो इसके डिजीज़ की टेस्टिंग के लिए जो हम प्रतिजन बनाते हैं डायग्नोस्टिक्स, वो भी हिंदुस्तान में सिर्फ इसी विभाग में मिलता है जो आर्मी के सभी हेडक्वार्टर्स में देते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे लोग घोड़े रखते हैं, जैसे स्टड फार्म्स हैं या स्टड ब्रीडिंग फार्म्स हैं, उनको भी हम सप्लाई करते रहते हैं। किसान भाइयों को आमतौर पर गाय या भैंसों में गर्मी का पता लगाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो गलत लक्षण की पहचान के कारण गर्भाधान भी नहीं हो पाता। इस परेशानी का हल भी IVRI के वैज्ञानिकों ने क्रिस्टोस्कोप बनाकर खोज निकाला है। आइए क्रिस्टोस्कोप के बारे में विस्तार से जानें इसके आविष्कारक डॉक्टर RP वर्मा से। इस तकनीक से किसान स्वयं
खुद अपने गायों का, भैंसों का, अपने ही गांव में ये जान पाएंगे कि उनकी गाय या भैंस की गर्मी सही क्या है, जिससे उन्हें सही समय पे कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक गर्भाधान कराया जा सके। गर्म गाय या भैंस वो अपनी समूह से, तबेला से दूर रहती हैं, और गाय या भैंस जो गर्म होती हैं वो एक दूसरे पे कूदती हैं। जो सबसे गर्म होती हैं वो गाय या भैंस दूसरे गाय या भैंस को अपने ऊपर कूदने देती है। इसी वक्त गाय या भैंस की इस बात को स्टैंडिंग हीट कहा जाता है। स्टैंडिंग हीट एक अच्छी पहचान है जिसे पहचानना चाहिए। साथ में इनके योनि, गाय या भैंस की योनि में एक चमक आ जाती है, सूजन आ जाती है, उनके पीछे से सर्वाइकल म्यूकस निकलता है जिसे योनि स्राव कहते हैं। योनि स्राव को गाय या भैंस के योनि से एकत्रित कर लिए। योनि स्राव को एक ट्यूब में लेकर एक कांच की स्लाइड पर सावधानी से डालिए। आवश्यक मात्रा में योनि स्राव स्लाइड पर आने के बाद उसे कैंची से काट दीजिए। फिर एक अन्य स्लाइड से इस स्राव को फैलाइए। ध्यान रखें कि स्राव की परत बहुत ज्यादा पतली ना होने पाए। इसके बाद इस स्लाइड को सुखा लें। सूखने के बाद से जब स्लाइड सूख जाएगा तो उसे इस मशीन में, उसमें स्लाइड गास्केट है, स्लाइड गास्केट में डालेंगे। स्लाइड गास्केट में डालने के बाद से उसको व्यूअर से देखेंगे। फर्न पैटर्न टाइप का, टिपिकल फर्न पैटर्न टाइप का दिखाई दे तो यही समय है जबकि गाय या भैंस की सही गर्मी है। इसमें तीन पैटर्न होता है, टिपिकल पैटर्न, ए टिपिकल फर्न पैटर्न और नील पैटर्न। ए टिपिकल और नील पैटर्न पे इसको गर्भित नहीं कराना चाहिए, इससे कंसेप्शन रेट सही नहीं आता। लेकिन टिपिकल फर्न पैटर्न होने पे, फर्न की पत्ती जैसा दिखाई देने पे, अगर उसकी आकृति फर्न की पत्ती जैसी हो, टिपिकल फर्न पैटर्न हो, तो अवश्य गाय या भैंस को गर्भित कराने का ये सही समय बताएगा। इसलिए यही वो समय है जब कि गाय और भैंस को सही गर्भित कराने का सही समय होता है। इसे कहते हैं राइट टाइम ऑफ, प्रॉपर टाइम ऑफ इंसेमिनेशन। यहाँ कराने से काफी फायदा होता है और इससे गाय और भैंस के सही समय पे गाभिन ठहरने से बच्चा पैदा होगा और इस तरीके से दूध की बढ़ोतरी होगी। ये टेक्नोलॉजी इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है, पूरे विश्व में व्यवसायीकरण इसका हो चुका है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को ले चुके हैं। रेनबैक्सी ने रेनेस्कोप नाम से बनाया, लाइका ने लाइकास्कोप नाम से बनाया, कैटर रेमडीज ने हरियास्कोप करके बनाया। पशुओं के लिए चारे, बीमारी की रोकथाम के लिए टीके और गर्भाधान का सही समय जानने के उपायों से लेकर उनकी हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वैज्ञानिक निरंतर जुटे हुए हैं।
वैज्ञानिकों के इन्हीं प्रयासों के चलते आज स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान और विकसित भारत का सपना साकार होने को है।